वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी है वहां पे, और ये देखो कुलधरा। तो गाइस कुछ इस तरीके का है कुलधरा। आसपास में आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। गाइस यार रातों रात कई सारे लोगों का, भैया घर कितना मेन होता है अपन सबके लिए, लेकिन रातों रात किसी घर को छोड़ देना कोई मजाक की बात नहीं होती है। क्या पता भूत या फिर क्या ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि गांव वालों को इसे छोड़ना पड़ा। सोचो कि उनके दिल पे क्या बीती होगी और कितने दुखी मन से उन्होंने इस गांव को श्राप दिया होगा कि भैया यहाँ पे और दोबारा कोई भी नहीं बस सकता है। और फाइनली देख लो यहाँ पे कोई भी नहीं बस पाया है, देखो। और गाइस यार मैं नहीं कहता, मैंने तो देखो यार न्यूज़ चैनल्स जो है उन पे इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो वो लोग बताते हैं कि रात को यहाँ पे आज भी उन गांव वालों के चलने की, खाना बनाने की और बातें करने की, फंक्शंस की ऐसी आवाज़ें आती है रात के टाइम में, जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो ऐसा अनुभव हमें देते हैं। हालांकि मुझे तो अभी ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है, सच बात बताऊँ तो, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई पर्यटन स्थल हो। बाकी हाँ थोड़ा सा रोमांच है मन के अंदर, क्योंकि एक हिस्ट्री देखने को मिल रही है ना, मन के अंदर ऐसा रोमांच है भाई कि यार कोई टाइम पे यहाँ पे लोग रहते थे। देखो यार मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बस ये खंडर ही खंडर है, देखो चारों तरफ बस खंडर ही खंडर है, देखो। भैया रात को अकेले इंसान की तो पड़ जाए, ये बात तो तय है। मेरे हिसाब से पट्टियां भी थी लेकिन देख रेख ना होने की वजह से वो पट्टियां गिर गई शायद। ये देखो बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे यार, बिल्कुल सन्नाटा। ओ भाई गाइस यार ये जो मकान बने हुए हैं ना, ये बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाए गए हैं। मतलब जिस तरीके से अपन कॉलोनियां काटते हैं ना आज के टाइम में, तो आज से कई सौ साल पहले भी इसी तरीके से कॉलोनियां काटी गई और इन मकानों के ढांचे तैयार किए गए। देखो बस एक ही चीज अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आई है कि इनकी पट्टियां क्यों नहीं, बाकी पूरा देखो सुव्यवस्थित तरीके से इस नगर का जो निर्माण है वो करा गया है। इधर देखो इधर रोड जा रही है, उधर देखो पीछे वहां पे मंदिर है और कुछ और घर है क्या, और ये एक पता नहीं क्या चीज है। देखो गाइस अब ये मुझे नहीं पता कि ये उस टाइम की है या अभी इसे बनाया गया है। देखो ओह देखा उस भाई ने सही कहा था, असली भूत तो हम इंसान हैं, यहाँ पे भी गंदीवाड़ा कर दिया। देखो गलत बात, गलत बात, बहुत ही ज्यादा गलत बात। गाइस यार गांव तो काफी बड़ा है और जहाँ पे पहले लोग रहते थे वहाँ पे अभी झाड़ियाँ उग गई है, यानी कि पेड़ पौधे उग गए हैं। ये किसी ने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पे, खेटलू राम, कुटल राम, नाम तो अच्छा रख लेता कुटल राम। अरे नहीं यार ये तो पहले की है। गाइस एक और रोड आ गई, देखो उधर से हम आगे आए, इधर एक और रोड है और इसके इधर भी गांव है, इसके इधर भी। गाइस आगे एक और रोड है ठीक वैसी जैसे अपन ने पहली देखी थी, देखो। और ये पूरा मतलब कि रास्ते निकाले गए थे गांव वालों ने, रास्ते निकाले थे कि इस तरीके से अपने को रहना है। गाइस यार यहाँ पे कम से कम 100 से भी ज्यादा मकान है, 100 से भी ज्यादा, करीब करीब 200 के आसपास मुझे मकान लग रहे हैं, 200 300 भी हो सकते हैं क्योंकि सभी अब टूट गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने होंगे, लेकिन सब अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ओ भाई बहुत सारे घर हैं यार यहाँ पे, बहुत सारे। गाइस यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी टीम के कुछ लोग, मैं और कुछ एकाध जने और जो कि घूमने के लिए आए हैं, बस वही हैं। बाकी पूरा नज़ारा यहाँ से देखो। अगर कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ करना, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से इस गांव की कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 190 साल पहले, लगभग 190 साल पहले ब्राह्मण रहा करते थे और उनके अंदर से एक लड़की थी जो कि वहाँ का दीवान या फिर आप कह सकते हैं राजा की तरह कोई था, उसे वो लड़की पसंद आ गई थी।
और उसकी ये जिद थी कि मुझे कैसे भी करके वो लड़की चाहिए। लेकिन गांव वालों ने वो उस लड़की को उन्हें सौंपने से मना कर दिया। फिर उसने दीवान ने ऐसी धमकी दी कि भाई या तो तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो यानी कि निकाह करा दो, या फिर मैं इस गांव के साथ साथ सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तो गाइस यार ऐसे में गांव वालों के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया था। एक तरफ थी गांव की इज्जत और दूसरी तरफ था अपना पूरा कारोबार, अपनी पुश्तैनी जगह या फिर जहाँ पे वो लोग रहा करते थे वो सारी। तो उनको उनमें से एक को चुनना था, लेकिन गांव वालों के लिए यहाँ पे कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को चुना और गांव की बेटी की इज्जत के लिए उन्होंने इस पूरे गांव को ही रातों रात खाली कर दिया, इसे छोड़ के चले गए। और जाते जाते ये शराब दिया कि इस गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा। और शायद वैसा ही हुआ है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। अभी मैं एंड में आ गया हूँ और रात को यहाँ पे कोई भी ना आए, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्रीज कर रखी है। मे भी ये तो सरकार ने कराई है, ये देखो इस विलेज के चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है ताकि इस जगह को सुरक्षित रखा जा सके इंसानी भूतों से। और गाइज इसके बाहर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बाउंड्री है इसके बाहर आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो गाइस, इस बाउंड्री के बाहर भी कुछ घर हैं जो कि टूटी फूटी हालत के अंदर हैं, इधर भी हैं, उधर पीछे की साइड में भी हैं और चारों तरफ है। गाइस यार आप देख सकते हैं कि मैं कब से घूम रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं पूरा कुलधरा विजिट नहीं कर पाया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उधर से आगे की तरफ जा रहा है। एक बात बताओ, अगर आपसे कोई आके एकदम से कहे कि भैया आज रात को आपको आपका घर खाली कर देना है और छोड़ के कहीं और जगह जाना है, तो क्या आप एग्री करोगे? नहीं, आप लड़ाई करोगे उससे अपने घर के लिए, अपनी जगह के लिए। लेकिन गांव वालों ने अपनी बेटी के लिए, बेटी की इज्जत के लिए इन सभी घरों को रातों रात खाली कर दिया। तो गांव वालों के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, बिल्कुल बनता है। सही में बहुत हिम्मत चाहिए होती है घर छोड़ने में। वैसे यार मैंने तो जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डेफिनेटली अगर रात को कोई अकेला इंसान यहाँ पे आएगा तो उसे डर लगेगा। डर तो लगेगा यार, अकेले इंसान के अंदर वो वाइब्स आएगी, भूतिया वाइब्स। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कुलधरा विलेज। गाइस यार यहाँ पर कुछ है, अब ये मुझे नहीं पता कि क्या है लेकिन यहाँ पर कुछ है। देखो यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, उधर भी है, इधर भी है। ओ बावड़ी, तो गाइस यार यहाँ पर एक बावड़ी है। ये देखो बावड़ी यानी कि जिसके अंदर पीने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। ओ वाओ गाइस देखो, ओ भाई ये डरावनी है यार। और यहाँ पे मैं अकेला हूँ। गाइस कुलधरा के भूतिया गांव की बावड़ी के अंदर मैं अकेला जा रहा हूँ। देखो काफी खौफनाक है, ये फिर खौफनाक लगी यार मुझे, ये सही में खौफनाक है। ओ काफी गहरी भी है। मैं अकेला हूँ यहाँ पे गाइस।